गड्ढे देख रहे हो ये, अभी दिखा नहीं होगा ढंग से आपको, मैं आगे आएगा फिर दिखाता हूँ आपको भाई। ये रोड बना ना महीना भी नहीं हुआ होगा ना, इससे जो इतना जल्दी ना कोई रोड टूटता हुआ नहीं देखा, मेरे ख्याल से क्विकेस्ट है। पार्सल आया तेरा? हाँ सुना, कैमरा ऑन करती गल शर्मा आता है, बाकी अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, तो मिलते हैं रास्ते में थोड़ा जल्दी है। तो मैंने बारिश का हो रहा है, बट रुक रखी है और बट रोड गीली है ना, गाड़ी गंदी हो जाएगी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस के लिए लेके जा रहे हैं, आने के टाइम दिक्कत होगी क्योंकि फिर वॉश हो गया कि वैसे गाड़ी बिल्कुल क्लीन है, निथारी क्लीन नहीं रहती, बस जाम लग गया, जाम जाम। चलो भाई यहाँ पे जाम बहुत लगता है, वैसे अभी टाइम तो जाम का नहीं है, पीक ट्रैफिक का टाइम वो खत्म हो गया मेरे हिसाब से। पुलिस वाला बोल रहा चलो चलो, वैसे हो ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में खत्म, बट हम तो निकल ही जाएंगे। हाईवे पे आ गया, ट्रैफिक का सामना करा और आधे घंटे से ज्यादा लगा दिया है, धूप निकल आई है। धूप क्यों निकल के आ गई यार, ये 11 से ऊपर हो गया, जल्दी से सर्विस हो जाए तो ठीक है, क्योंकि आज भाजी के भी जाना है, जरूरी है, काम है। ये हाईवे पे है यार, इसका वर्कशॉप देखते हैं नेक्स्ट टाइम कहीं और कराए मे भी, या फिर यहीं पे कराए, थोड़ा सा दूर पड़ता है यार, ये रूट भी शायद थोड़ा डिफरेंट ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब लोकेशन सेंड करी ना वर्कशॉप की तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। नंबर डल रहे हैं, नंबर लगाते हैं अपना फटाफट। गाड़ी की सर्विस इज डन, अभी डिटेल्स देते हैं, उससे पहले काफी चीजें बतानी है आपको। चाबी यही है, उन्हीं भी कर लेते हैं। किलोमीटर ना बहुत कम कवर किया है इसने, किलोमीटर हो रखे 417 बस जस्ट। अभी टाइम हो चुका है 1:11, जॉब कार्ड ओपन होता है 12:30, तो कितने मिनट, 41 मिनट मैक्सिमम लगे हैं, तो कितनी क्विक सर्विस कराई है भाई ने, इतनी जल्दी तो कोई भी सर्विस नहीं करके देता। ये बैग लेगा क्या लेगा भाई, हम कहाँ से जाएंगे फिर, बैग लेके इधर ही लेके आना था इसको, इधर उधर करेगा तभी तो निकलेगी। अच्छा ओके, किया ही किया, किसी वर्कशॉप में तो किया ही दिखेगी, यहाँ पर है भी नहीं कुछ, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, बस किया का शोरूम, सॉरी किया की वर्कशॉप है, बाकी भी RC का भी पता कर लेते हैं, RC आई है कि नहीं आई है। गूगल ने ये रास्ता सजेस्ट किया है, देखो क्या बात। चलो निकल गए यहाँ से किसी तरह, आगे सामने रोड दिख गया है मुझे, थोड़ा सा दूर है बट ठीक है, दिख गया। चलो ठीक है यार, शॉर्टकट मार दिया अंदर अंदर से, यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट हुई नहीं है इतनी ज्यादा, इसलिए कच्चे रोड है। RC आ गई है, बड़ी जल्दी है यार, एक महीना भी नहीं लगा इसमें, तो टाइम कितना लगा होगा, 26-27 दिन मैक्सिमम, 26 लगा के चलो, 27वां दिन अभी शुरू होगा, क्योंकि हमने दिल्ली शायद शाम को ली थी, तो इतनी जल्दी, दैट्स सो क्विक, सर्विस भी क्विक, RC भी क्विक, सब कुछ डन। कहीं भी ले जाओ गाड़ी को, आप फ्री हो, बस एक फास्टैग और रह रहा था, वो फास्टैग वाला तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लगवा लेंगे, नहीं तो यार जरूरी भी नहीं है, बैंक के देते हैं फिर उसका रिचार्ज का सिस्टम होता है, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इससे बेटर है कि पेटीएम वगैरह के देखते हैं, बाकी पैसे दिए वो रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसको कैंसिल करा देंगे, जैसे भी रहेगा पता नहीं, अभी जो भी रहेगा, आज तो फास्टैग नहीं मिला है। अभी मैं सोना रोड पे हूँ, 1:30 बज चुके हैं, घर जाना है फटाफट, उसके बाद फिर निकलना है अपने भाजी के। ये सोना रोड पे नया अंडरपास बना है भाई, बढ़िया मस्त बना दिया, काफी टाइम से काम चल रहा था, लग रहा था कब पूरा होगा, पूरा होगा, ऊपर देख रहे सुभाष चौक है, अगर आप गुड़गांव से बिलोंग करते हो तो पता होगा, नहीं तो सोना रोड पे जो पहला चौक चौराहा बनता है जहाँ पे पहले फ्लाईओवर था, उसके नीचे से अंडरपास गया है, काफी लंबा अंडरपास बनाया, अच्छा बड़ा इस पे ना, अब ये पीछे तक का रास्ता ओपन हो गया है और काफी कम टाइम लगता है, अगर सोना वगैरह जाना हो आपको, या सोना से आगे जाना हो। गुड़गांव में जो अंडरपास और ये फ्लाईओवर लगभग पूरे हो गए, थोड़े बहुत काम रह रहा, जैसे कि अतुल कटेरा चौक पे जो सेक्टर 14 के वहां पे पड़ता है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा ना, ट्रैफिक में ना काफी रिलीफ मिल जाएगा। और हाँ जैसे अब दिख रहा है ना कि खाली खाली रोड और टाइम नहीं लगता, वो ट्रैफिक में पी पी ची ची वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। अभी एक अंडरपास गया, दूसरा आ गया, ये तो पहले से बना हुआ था काफी टाइम से, और यहाँ पे समय की जो बचत होती है ना बहुत ज्यादा, एफर्ट की बचत होती है, कहीं जा रहे हो तो लगता ही नहीं कि टाइम लगेगा, बट इससे आगे जाके फिर मार्केट स्टार्ट हो जाती है और फिर ट्रैफिक ही ट्रैफिक। बट आगे ऊपर देख रहे हो तो ये NH 8 जा रखा है, यहाँ से जयपुर निकलना हो, दिल्ली की साइड निकलना हो तो आराम से जा सकते हो बिना ट्रैफिक के, हाईवे से इस तरफ ट्रैफिक में काफी रिलीफ हो गई पहले से। आगे ना रेड लाइट है कुछ है बट फंसा पड़ा सब कुछ, यहाँ निकल जाए बस किसी तरह, ये रास्ता गलत ले लिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरे वाले से जाना था भाई। गुड़गांव में यही होता है, वो अब क्या हो गया कि सोना रोड से जो डायरेक्ट इधर आ रहा है ना वो जल्दी पहुंच रहा है, तो एकदम से कंजेशन हो ही जाती है क्योंकि वहां से ट्रैफिक खुल के आया, बट ये है कि पूरा ट्रैफिक नहीं आता, जितना भी आता है बट यहाँ आके जाम फंस जाता है, आगे जाने में दिक्कत है। और ये एक मार्केट भी हो गई यहाँ पे, सदर बाजार, गुड़गांव का सदर बाजार।
चार प्लेट टिक्की पैक। टिक्की तैयार होती हुई, खाने का मन था भी बट सोचा फिर कि वीडियो देख के घर वाले कहेंगे अकेले अकेला खा के आ गए तो लेके आना। मैंने पैक कराने में टाइम लगता है थोड़ा सा, मुझे आलस आता है, कोई साथ में चल रहे सबसे बढ़िया होता है। आज सर्विस कराना है तो साथ में भी नहीं आ सकते थे इसलिए पैक करा ली मैंने। बारिश आ गई है फिर से, यहाँ पीछे तो नहीं दिख रही, आगे दिख रही थोड़ी ज्यादा तेज। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। टिकट टिकट चल नहीं तुझे? नहीं नहीं, हम खाए जब देख सारे खा जाएगी है ना, खत्म कर देगी। कोई कह रहा तू भी खाएगा टिक्की, ये बोलेगा नहीं। बारिश रुक जा। इस बार बारिश है ना, मजे वाली बारिश नहीं हुई ना, हुई मजे वाली बारिश, बोल ही नहीं रहा कोई। चलो कोई नहीं, हम अपने आप से बात कर लेते हैं, पहले टिक्की खा लेते हैं, भूख लग रही है। तो चल दिए घर के काम से, और एक दो सामान भी लेना है, एक एलन की लेनी है जरूरी है, अगर मिलती है तो बढ़िया वाली सेट ही ले लूंगा यार। एक पर्टिकुलर क्या लूंगा, पहले भी लिया था मैंने सेट बट उसमें ना सामान मतलब एलंकी उलंकी इधर उधर हो गई है, कुल तीन बची है। पूरा सेट था 10 या 12 का आता है जो भी है, उसमें कुल तीन बची है, सब किधर गई। मैंने बाइक में भी रखी थी, बाइक में भी चेक कर ली, नहीं मिली यार। सबसे छोटी वाली चाहिए थी, 1.5 mm की आती शायद। अब मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं मंगा रहा, कभी वो 1.5 से स्टार्ट ना हो तो सेट, और फिर वही है ना कि वो जो मेन एलंकी जो चाहिए वो मिसिंग हो जाए और बाकी का सेट आ जाए। लेंगे तो पूरा सेट लेंगे यार, बाकी घर का सामान भी लेके आना है। वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गए आगे, मेरा बेटा है ना वो आने नहीं देता, वो जिद करता है कि मैं भी चलूंगा। ओ भाई ये नहीं मानेगा, जिद कर रहा है कि मैं जरूर जाऊंगा, कोई जाए ना जाए। एलंकी के पता कर लेता हूँ, ऐसे किसी को पता हो तो, कि ऑफलाइन मार्केट में कहा मिलेगी, ऑनलाइन सर्च करना बड़ा इजी होता है। गड्ढे देख रहे हो, ये अभी दिखा नहीं होगा ढंग से आपको, मैं आगे आएगा फिर दिखाता हूँ आपको। भाई ये रोड बना ना महीना भी नहीं हुआ होगा ना, इससे इतना जल्दी है ना कोई रोड टूटता हुआ नहीं देखा ना, से क्विकेस्ट है ये कह सकते हो, इंडिया के क्विकेस्ट रोड जो टूटने में। हार्डवेयर की दुकान चली गई अपनी, पीछे मोटरसाइकिल थी सिर्फ साइड में लो, मिलेगी उसके वैसे मुश्किल है। आगे चलो, चलो भाई हम निकल गए तो निकल गए। लंकी यार बहुत ही रेयरली मांगते हैं लोग, तो रखते भी बहुत रेयरली होंगे, डिमांड सप्लाई की चीज है सारी, क्यों जितनी डिमांड उतनी अच्छी सप्लाई मिलेगी, उतने ज्यादा लोग रखेंगे, क्योंकि वो भी ना नोट करके रखते होंगे ना कि भाई ये मांग रहा है तो वो सामान रख लिया है ना। नोट करते भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखना, जैसे वो ऐसे ऐसे ब्रेकर से बने हैं ना, महीना भी नहीं होगा, देखो रोड में गड्ढे देखो अभी तो, और आगे देखो बहुत बुरा हाल है। ये भारत ये नहीं तो बहुत बुरा हाल है, ये ऐसे गाड़ी जल्दी चलती थी ऊपर नीचे ऐसे, ये सही कर दिया थोड़ा सा थोड़ा सा, अब भी देख लो। क्या कह रहे थे, कलर दूसरा ले लूं? और क्या आपका फेवरेट कलर लगता है? मेरा ऑरेंज, मतलब मैं जैकेट में भी ऑरेंज है ना एक में, यार वो जैकेट में क्या होता है कि नियॉन लो या फिर ऑरेंज लो, तो नियॉन पहले यूज किया था, फिर जैकेट में ऑरेंज ले लिया था राइडिंग जैकेट के। तो बाइक पे क्या होता है कि आपको थोड़े से रिफ्लेक्टिव कलर्स लेने पड़ते हैं, ब्राइट कलर होने चाहिए, थोड़ा दूर से दिखाई दे जाए, तो ऑरेंज और नियॉन कलर बहुत यूज होता है, तो मैंने नियॉन पहले यूज कर लिया था। फिर इसके बारे में बात कर देता हूँ, असली बात ये है कि ये वीनस की है और एक आती है टपारिया की। ये कह रहा है कि 200 की दी है, वैसे 180 की दिखा रहा है टपारिया की, जो ऑनलाइन देख रहा था मैं। अब ये कह रहा है कि वो लोकल होती होगी, अब पता नहीं लोकल है, वैसे लोकल ही होगी यार, उसमें बचा भी रहा है और भेज भी रहा है, और या फिर ये झूठ बोल रहा है, ये थोड़ी सस्ती होगी। अब जो भी है जितने भी दिए 20-30 रुपए के चक्कर में वापिस तो नहीं जाने वाले, और इससे बात पता भी कर लिया है कि कितने एमएम की क्या आती है। चीनी क्यों 2 किलो ली है, 5 किलो क्यों नहीं, क्या कह रही थी बिस्किट ले लूँ? बिस्किट ले लिया जाए, ये तो ना ऑर्डर दी जा रही है, हम सामान भी रख रहा हूँ और लेकर चल रहा हूँ, दोनों चीज़ें।